हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डियर एक्सप्लेनर में आप सबको वेलकम करते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम कहानी के मेन कैरेक्टर इंसू से मिलते हैं, जो कि एक यंग कॉलेज स्टूडेंट होता है। और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि वो भूतों को देख सकता है। वो हमेशा अपने साथ एक खास किस्म के लॉकेट को रखता है, जो किसी भूत के आसपास आते ही स्पिन करने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से इस एबिलिटी की वजह से उसके क्लासमेट्स हमेशा उसको बुली करते हैं और इसलिए उसको घूस्ट सीकर कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका लॉकेट बहुत तेजी से स्पिन करने लगता है और तभी वो एक महिला के घूस्ट को देखता है। ये देखने के बाद वो घर वापस आ जाता है और घर आते ही वो अपने लॉकेट से घर को स्कैन करता है। और जैसे ही वो पानी पीने लगता है तो इसका लॉकेट फिर से स्पिन करने लगता है और वो अपने रिफ्लेक्शन देखता है, जिसमें उसे दिखाई देता है कि एक लड़की का घूस्ट उसके सर पे सवार है। वो घूस्ट इंसू से मदद चाहती है क्योंकि उसका मर्डर कर दिया गया था। वो इंसू को उस जगह के बारे में बताती है जहां इसे दफनाया गया था, ताकि इसकी फैमिली को इसके बारे में जानकारी मिल सके। इस भूत के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर इंसू इसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और पुलिस को कॉल करता है और सारी हिस्ट्री बता देता है। वो इन सब बातों से बहुत तंग आ चुका होता है, इसलिए वो स्कूल को स्किप करके अपनी लाइफ के बारे में जवाब ढूंढने लगता है। इसके बाद इंसू अपने अंकल हिकारू को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो इनके पास रहने के लिए आने वाला है। हिकारू उन्हें बताता है कि तुम्हारी स्टडीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंसू उन्हें कहता है कि वो इन भूतों से तंग आ चुका है। इसके बाद हम इंसू को उसके होम टाउन में इंटर होता देखते हैं और रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है, जिसका नाम रोज होता है। इसके बाद वो अपने अंकल के घर में पहुंच जाता है, जहां हमें रियलाइज होता है कि उसके अंकल के पास भी इंसू जैसी शक्तियां हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि वो भूत भगाने का काम भी करता है। वो इंसू को घर में आने देता है। इसके बाद इंसू अपने बचपन के स्कूल में एडमिशन ले लेता है, जहां इनकी क्लास टीचर इसे स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। क्लास के पहले दिन ही लोग इसे बुली करने लगते हैं और एक यूनजी नाम की लड़की, जिसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम हाईचुल होता है, इसके होते हुए वो इंसू के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तभी अचानक इंसू को स्कूल के बाहर एक मास्क पहनी लड़की का भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अचानक से हाईचुल इंसू की पिटाई करने लगता है और इसे इसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहने को कहता है, हालांकि इसकी गर्लफ्रेंड का कसूर होता है। हाईचुल इंसू को यंग लड़की के केस को दोबारा ओपन करने की धमकी देता है। दोस्तों, बचपन में एक लड़की की डेथ हो गई थी और उस लड़की की आत्मा इंसू से बात किया करती थी, लेकिन इंसू में इस लड़की की मदद करने की हिम्मत नहीं थी। यही वो कारण था जिसकी वजह से इंसू ने टाउन छोड़ दिया था। अगले सीन में हम बुली करने वाली एक लड़की को इसके घर में देखते हैं, जहां इसे रियलाइज होता है कि इसकी छत पर एक पॉलीथीन बैग लटका हुआ है, जिसमें से खून टपक रहा होता है। वो हेल्प के लिए कॉल मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी कॉल कनेक्ट नहीं होती। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और जैसे इस बैग के करीब आती है तो वो बैग फट जाता है और इसके फेस पर ब्लड गिर जाता है। तभी अचानक वही मास्क वाली भूत इसके करीब आ जाती है और इस लड़की की जान ले लेती है। अगले सीन में हम इंसू को एक फुटबॉल मैच के करीब बैठा हुआ देखते हैं, जहां वही लड़की रोज इसे मिलने आती है, जो इसने रास्ते में देखी थी। एक्चुअली वो भी एक भूत होती है, जो कुछ समय पहले मर चुकी थी। ये भूत बाकी भूतों की तरह बदसूरत और बुरी नहीं होती। इंसू इसकी कंपनी को एंजॉय करता है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और रोज इंसू को बताती है कि मास्क वाली लड़की आसपास है, जिसके बाद इंसू घबरा कर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्लासरूम में यूनजी एक लड़के को परेशान कर रही होती है। तभी इंसू वहां आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। ये देखते ही यूनजी का एक और फ्रेंड इंसू की पिटाई करने के लिए आ जाता है, लेकिन यूनजी उसे ऐसा करने से रोक देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि यूनजी इंसू को पसंद करने लगती है। इसके बाद रात के समय इंसू अपने अंकल के साथ न्यूज देख रहा होता है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि 10 साल पुराना केस सॉल्व हो गया है और पकड़े जाने वाले कातिल ने मास्क लगाया हुआ है। ये देखते ही इंसू को वो मास्क वाली भूत याद आ जाती है और तभी अचानक एक और भूत इंसू के सामने आ जाती है, जो इसी घर में रहती है और इंसू को बताती है कि इस मास्क वाली भूत का नाम साई ही है। इस समय बुली करने वाला एक कपल चोरी से स्कूल में इंटर हो जाता है, जहां वो स्कूल में उनसे छीना गया सेलफोन वापस ले लेते हैं। इसके बाद वो क्लासरूम में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। लड़की वॉशरूम में चली जाती है और इसका बॉयफ्रेंड इसका इंतजार करने लगता है। तभी मास्क वाली भूत वहां आ जाती है और इस लड़के की जान ले लेती है। इसके बाद वो बाथरूम का रुख करती है और उसे भी मार देती है। अगली सुबह स्कूल में सभी लोग रात को हुए इंसिडेंट को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं, खास तौर पर वो बुली ग्रुप, जो इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि इस ग्रुप को वन बाय वन टारगेट करके मारा जा रहा होता है।
इसके बाद इंसु इस मास्क वाली भूत साई ही के बारे में अपने क्लासमेट से जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो सब लोग कुछ छुपा रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें आइडिया होता है कि साई ही की मौत का इस बुली करने वाले ग्रुप से कोई ना कोई संबंध जरूर है, इसलिए कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंसु और इसकी घोस्ट फ्रेंड रोज एक दूसरे के साथ काफी अच्छे समय बिता रहे होते हैं। तभी इंसु को साई ही की तस्वीर के साथ एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि इसे साई ही के बारे में कोई भी सवाल नहीं करना चाहिए। इंसु रोज से साई ही के बारे में पूछता है, जिस पर रोज इसे बताती है कि पूरा स्कूल ये जानता है कि साई ही कैसे मरी थी। ये जानते ही इंसु गुस्से में आ जाता है और तभी इसे रास्ते में हाईचुल के साथ यूंजे दिखाई देती है। वो इनका रास्ता रोक लेता है और हाईचुल पर अटैक करता है, लेकिन इंसु इसका मुकाबला नहीं कर पाता और दोनों मिलकर इसकी काफी धुलाई भी करते हैं। लेकिन इंसु मार खाने के बाद अपने फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट लाकर इन्हें बताता है कि साई ही इन सब का बदला लेने आ रही है। इसी दिन जब यूंजी और हाईचुल अपने घर वापस जा रहे होते हैं, यूंजी हाईचुल को एक खूबसूरत तस्वीर दिखाती है। वो तस्वीर साई ही के डैड की होती है। यूंजी को लगता है कि साई ही का डैड अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए हमारे ग्रुप के सभी लोगों को एक एक करके मार रहा है। दोनों मिलकर साई ही के पिता की जान लेने का फैसला करते हैं और इसके बाद घर की ओर बढ़ने लगते हैं। यूंजी सीक्रेटली अपने प्लान के बारे में इंसु को बता देती है और जैसे ही इंसु को इस बारे में मैसेज रिसीव होता है, वो अपने अंकल को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। इसका अंकल इसे बताता है कि उन्हें पुलिस को फोन करना चाहिए, लेकिन इंसु अपने अंकल से कहता है कि यहां पर उसके डैड की नहीं बल्कि इन दोनों की जान खतरे में है। अब वो दोनों इंसु के खिलाफ है और इसके बावजूद वो उनकी हेल्प करने के लिए जाएगा। इंसु का अंकल उसकी सुरक्षा के लिए एक जादुई खंजर देता है और बताता है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इसके बाद हम यूंजी और हाईचुल को साई ही के घर में इंटर होता देखते हैं, जहां थोड़े ही समय बाद उन्हें रियलाइज होता है कि यहां पर किसी का भूत मौजूद है। तभी अचानक उन्हें साई ही दिखने लगती है और उन्हें यकीन आ जाता है कि इंसु ने बिल्कुल ठीक कहा था, इन सारे मर्डर्स के पीछे साई ही की आत्मा का हाथ है। दोनों छुप जाते हैं, लेकिन तभी अचानक साई ही के डैड वहां आ जाते हैं और हाईचुल की जान ले लेते हैं। अपने बॉयफ्रेंड को इतनी बुरी तरह से मरता देख वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और साई ही के पिता से जान की भीख मांगने लगती है और अपने किए पर माफी भी मांगती है, लेकिन साई ही के पिता उसकी एक नहीं सुनते और उसकी जान ले लेते हैं। कुछ समय बाद इंसु इसी घर में इंटर हो जाता है, जहां वो अपनी क्लासमेट के डेड बॉडीज को देखकर काफी ज्यादा टेरिफाइड हो जाता है और तभी इसे साई ही के पिता दिखाई देते हैं जो अपने होश में नहीं होते, क्योंकि साई ही की आत्मा ने उन्हें कंट्रोल करके उनसे ये सारे मर्डर्स करवाए होते हैं। तभी अचानक इंसु को एक क्लोजेट से आवाज सुनाई देती है। इंसु जैसे ही इस क्लोजेट को ओपन करता है तो इसे वो मास्क वाली भूत यानी साई ही अंदर बैठी दिखाई देती है। इंसु जैसे ही इसका मास्क उतारता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि इसकी वो घोस्ट फ्रेंड रोज होती है। इसके बाद हमें मूवी में पास्ट का समय दिखाया जाता है, जहां हमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि साई ही के साथ स्कूल में एक्चुअली क्या हुआ था। हम देखते हैं कि साई ही जो कि बहुत ही हैप्पी और फन लविंग लड़की थी, स्कूल में यूंजी और इसके ग्रुप इसे बुली करता था। साई ही टीचर को उनकी शिकायत लगा देती थी, जिसके बाद टीचर सारी क्लास के सामने यूंजी की इंसल्ट करती है। यूंजी ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने ग्रुप के साथ साई ही से बदला लेने का प्लान करती है। तो दोस्तों इसके बाद साई ही की जिंदगी नर्क बन जाती है, क्योंकि वो बुली साई ही को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इसके चेहरे पर कार्टून बनाते हैं, इसके बालों को आग लगाकर जलाते हैं और एक मास्क पहनने पर मजबूर करते हैं। साई ही स्कूल से घर वापस आकर हर वक्त रोती रहती है। इसके पिता इसे एडवाइस करते हैं कि वो अपने हेड टीचर से इसके बारे में बात करे, लेकिन वो इस बात से इनकार कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से मामलात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। एक दिन साई का पिता घर वापस आकर देखता है कि बहुत ज्यादा टॉर्चर और बेइज्जती झेलने के बाद साई ही ने आत्महत्या कर ली है और इसकी आत्मा दो हिस्सों में बढ़ जाती है, यानी कि एक फन लविंग और दोस्ताना रोज जो कि इंसु के साथ वक्त बिताती है और दूसरी वो मास्क वाली भूत जो इन बुलीज ने साई ही को बना रखा था। वो बदला लेने की आग में जलती हुई इस टाउन में मंडलाती रहती है। अगली सुबह इंसु को साई ही की डायरी मिल जाती है, जिसमें मारे जाने वाले सभी व्यक्तियों के नाम क्रॉस दिखाई देते हैं, सिवाय हेड टीचर के नाम के। इंसु को आइडिया हो जाता है कि हेड टीचर की जान खतरे में है। रात होते ही वो स्कूल पहुंच जाता है ताकि टीचर की जान बचाई जा सके। वो अपने अंकल को साई ही की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हेल्प करने को कहता है।
इसके बाद हम हेड टीचर को स्कूल में देखते हैं जहां साई की आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और तभी स्कूल की लाइट चली जाती है। इंसु भी वहां पहुंच जाता है और देखता है कि हेड टीचर पोजेस्ड हो जाती है और सभी लोगों के सामने आ जाती है और बताती है कि वो इन सब की जान ले लेगी और वो अपनी पॉकेट से एक लाइटर निकालती है और उसको फ्लोर पर फेंकने ही वाली होती है कि इस फ्लोर पर पहले से गैसोलीन छिड़क दी गई होती है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस लाइटर को रोज की आत्मा आखिरी सेकंड में कैच कर लेती है और यहाँ पर रोज की आत्मा दोनों हिस्सों में आमने सामने आ जाते हैं। रोज इसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन साई की बुरी आत्मा इसे एक ही बार में झटक के गायब कर देती है। उधर इंसु का अंकल आत्मा पर कब्जा करने की तैयारी करता है और यहाँ स्कूल में साई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निष्ठ कर रही होती है। तभी इंसु अपना वो लॉकेट निकालता है और साई की अच्छी आत्मा यानी रोज को ढूंढने की कोशिश करता है और तभी इसका लॉकेट एक लड़की के सामने स्पिन करने लगता है जहाँ इंसु इसे ये सब कुछ रोकने को कहता है। वो इसे नोटबुक दिखाता है जो इसे साई के घर में मिली थी। इसके बाद फिर से हमें मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि रोज इंसु की चाइल्डहुड फ्रेंड थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और रोज की नोटबुक में इंसु ने इसका स्केच भी बना रखा था। दूसरी ओर इंसु के अंकल साई की आत्मा की मुक्ति के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और यहां स्कूल में इंसु की पॉकेट में पड़ा वो खंजर चमकने लगता है। रोज इंसु को गले लगाती है और वो खंजर अपने पेट में घूंप लेती है जिससे फाइनली उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। फाइनल सीन में हम सारे स्टूडेंट को साई की कब्र पर प्रार्थना करते हुए देखते हैं जहां हम इंसु को भी देखते हैं जिसने फिर से रोज का एक खूबसूरत स्केच बनाकर उसकी कब्र पर रखा होता है और इसे देखकर वो मुस्कुरा रहा होता है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही कमाल की मूवीज के साथ, तो देखते रहिए डीप एक्सप्लेनर।